थोड़ा आप नाड़ी देखना सीख ले अपने आप, अपने कम से कम अपनी तो देख ही लें, फिर अपने पड़ोसियों की देख लें, घर वालों की देख लें, और नाड़ी के हिसाब से आप ये तय कर सके कि आप वात की कैटेगरी में है कि पित्त की कैटेगरी में है कि कफ की कैटेगरी में है। और नाड़ी का संबंध जो है ना पूरे शरीर से है, तो दो तीन अंतर संबंध में आपको सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। जैसे नाड़ी अगर आपने देखी तो टेम्परेचर आप तय कर सकते हैं कि इतना होगा आपके शरीर का तापमान, इतना होगा बिना थर्मामीटर लगाए। थर्मामीटर की कोई जरूरत है, और थर्मामीटर उतना एक्यूरेट नहीं है जितना आपका हाथ है। थर्मामीटर डेड है, मरा हुआ है, और हाथ जीवित है, इसमें स्पंदन है, जीवन है। तो हाथ से नाड़ी की परीक्षा करेंगे तापमान एक्यूरेट आएगा। आप जैसे घर में किसी को बुखार आ गया तो आप नाड़ी चेक कर लो, देख लो थर्मामीटर है तो नहीं है, तो आप तुरंत तय कर लेंगे बुखार इतना होना चाहिए, फिर इतना बुखार है तो क्या दवा होनी चाहिए। और नाड़ी देख के आप अपना ब्लड प्रेशर भी तुरंत काउंट कर सकते हैं, ऊंचे वाला कितना है, नीचे वाला कितना है, सिस्टोलिक कितना है, डायस्टोलिक कितना है, ये सब आप पता कर सकते हैं। और मैं कुछ 8-10 प्रकार की नाड़ियां बताऊंगा, वैसे तो बहुत प्रकार है, लेकिन आपको जितना समझ में आ सके, कम कंफ्यूजन हो, सरल भाषा हो। हालांकि नाड़ी सबसे जटिल शास्त्र है आयुर्वेद में, दवाओं के बारे में दवाओं से भी ज्यादा जटिल शास्त्र है, बहुत जटिलता है इसमें, फिर भी थोड़ी सरल आसान भाषा। तो कल एक सत्र फिर होगा, और कल मान लीजिए आखिरी सत्र होगा, नाड़ी देखेंगे या नाड़ी सीखेंगे, और उसके बाद उसकी मदद से कुछ और चिकित्सा के बारे में बात होगी। और आज आपको नाड़ी विज्ञान, नाड़ी परीक्षा, उसके शरीर में क्या महत्व है, उस पर बात करनी है। मैंने आपको 11 दिन में जो भी कुछ सिखाने की कोशिश की उसमें एक अंकल याद देना चाहता हूँ कि मैंने आपसे उल्टा सिखाया हुआ। उल्टा से मतलब बागवत जी के हिसाब से ये सबसे पहले सीखना चाहिए, तो आज बात हो रही है, ये सबसे पहले सीखना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो फंक्शनल नॉलेज है और एक थ्योरेटिकल नॉलेज है, तो फंक्शनल नॉलेज हमेशा इंटरेस्टिंग होती है, उसमें रोचकता होती है, और इसके कारण से अपना चित्त उसमें लगता है। थ्योरेटिकल नॉलेज थोड़ी थोड़ी होती है, अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। तो थ्योरेटिकल थोड़ा बाद में सीखना, पहले फंक्शनल सीखना, तो मन में पहले इंटरेस्ट पैदा हो जाए विषय के प्रति, रुचि पैदा हो जाए, फिर सीखने की चाह बढ़ जाए, इसलिए मैंने थोड़ा उल्टा सीखा है। वरना भागवत जी के क्रम में ये नाड़ी परीक्षा पहले अध्याय में है, और पहले अध्याय में से मैंने थोड़ी बात लेके उसको छोड़ दिया, जान बुझ के इसको बाद में बात करें। तो चलते हैं नाड़ी विज्ञान पे। नाड़ी के बारे में सबसे पहले छोटी सी जानकारी कि नाड़ी है क्या। आपके शरीर में आपने बार बार सुना है तीन नाड़ियां हैं, एक हिला है, एक पिंगला है, एक शुकुंडला है, इसको दूसरे नामों से कहते हैं, एक सूर्य नाड़ी है, एक चंद्र नाड़ी है, और एक मध्य नाड़ी। तो ये सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, मध्य नाड़ी, ये शरीर के लगभग हर अंग में उपस्थित है अपने अपने प्रभाव से, इनके अपने अपने प्रभाव है। शरीर के हर अंग में इसका अपना असर है, जब जरूरत पड़ती है तो ये नाड़ियां बढ़ती हैं, कम होती हैं, इनके माध्यम से ही जीव का मन संचालन होता है, शरीर के जीव का संचालन होता है, प्राण का संचालन होता है नाड़ियों के माध्यम से। आपने योग में एक शब्द सुना होगा, नाड़ी शोधन प्राणायाम सुना है, नाड़ी शोधन, इसका मतलब है नाड़ियों को शुद्ध करते रहिए, ऐसे प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये नाड़ियां है तो सूक्ष्म लेकिन बड़ी कीमती है, बहुत काम की है, इसके बिना जीवन नहीं चलता, तो इसलिए इनकी शुद्धि रहे तो आप स्वस्थ हैं, लेकिन इनमें कोई कीड़ा नहीं है तो आप अस्वस्थ हैं। अब हम अस्वस्थ हैं तो पता कर लिया कि कितने अस्वस्थ हैं, कितने स्वस्थ हैं, क्या करें क्या न करें, इस दृष्टि से परीक्षा होती है। तो नाड़ी परीक्षा वैसे पेशेंट को सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप पेशेंट रहे, आप खुद डॉक्टर बने। हमारी तो टारगेट है कि आप जिसमें लोग यहाँ है कल से ही परसों से ही आप ये काम शुरू कर दें, तो इसलिए आपको सिखाना है। तो नाड़ी चलती कैसे है मैं एक बार बात कर चुका हूँ। आपकी एक नाड़ी है दाहिने के नाक में जिसको हम कहते हैं सूर्य नाड़ी, और एक है बाएं नाक में जिसको कहते हैं चंद्र नाड़ी, और एक है मध्य नाड़ी। मध्य नाड़ी सबसे अच्छी मानी जाती है सूर्य और चंद्र की तुलना में,
और ये दोनों को नियंत्रित करने में बहुत मदद करती है। सूर्य नाड़ी का काम क्या है? सूर्य नाड़ी का काम है आपको गुस्सा देना। हाँ, आपको गुस्सा देना, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाना सूर्य नाड़ी का काम, आपकी शुगर बढ़ाना, आप में उत्तेजना पैदा करना। अब आप जितने खराब शब्द जानते हैं अपने जीवन में सब जान लीजिए ये सूर्य नाड़ी है। लेकिन ये भी चाहिए, खराबी भी चाहिए। पार्वती जी ये कहते हैं कि खराबी नहीं होगी शरीर में तो जीवन नहीं, खराबी भी चाहिए लेकिन नियम, थोड़ा गुस्सा भी चाहिए, थोड़ी उत्तेजना भी चाहिए, जब जिसकी जरूरत है उस समय वो चाहिए, गुस्सा भी चाहिए, उत्तेजना भी चाहिए, आपको थोड़ा चिड़चिड़पन भी चाहिए, थोड़ा आपके मन में कुछ दूसरे के बारे में खराब बातें आए वो भी चाहिए, ये सब चाहिए, क्योंकि आप संत हैं, आप संत नहीं हो गए। संतों के लिए साधुओं के लिए साधुओं के दिल से कभी भी किसी के बारे में कुछ ऐसी बात ना निकले जो खराब है, उनको सूर्य नाड़ी बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसा मानिए साधु संत ब्रह्मचारी वगैरह वगैरह जो भी लोग हैं उनको नहीं चाहिए, इनकी जिंदगी में चंद्र नाड़ी ही महत्व होती है। लेकिन आपके लिए चंद्र नाड़ी सारी महत्व के लिए सूर्य नाड़ी की महत्व होती है। अगर सूर्य नाड़ी ठीक नहीं होगी ना तो कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकता। ये सूर्य नाड़ी का प्रताप है जो आप अपनी संतान को जन्म देते हैं। तो आप जानिए कि जीवन आगे बढ़ना है तो इसी की ताकत से बढ़ना, तो लेना चाहिए, प्रवृत्ति चाहिए, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो, ब्लड शुगर बढ़ी हुई हो, तो जब जरूरत पड़े तो ब्लड शुगर बढ़ जाए, जब जरूरत पड़े तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, जब जरूरत पड़े तो आपके शरीर में गुस्सा आ जाए, जब जरूरत पड़े तो, ये सब काम जरूरत के हिसाब से है। लेकिन विज्ञान ये कहता है कि ठीक है, जरूरत पड़ी तो आपने बीवी बढ़ा लिया, जरूरत पड़ी तो गुस्सा भी ला लिया, जरूरत पड़ी तो इतना भी ला ली, अब इसको थोड़ी देर के बाद शांत कर लिया, ये हसमन है, नहीं चाहिए, शांत हो जाना चाहिए। आपके शरीर में ऐसी व्यवस्था बनी हुई है इन नाड़ियों की वजह से कि जरूरत के हिसाब से आपको ये सब चीजें आती है और फिर अपने आप शांत हो जाते हैं। माने ज्यादा देर टिकता नहीं है कुछ भी, गुस्सा ज्यादा देर टिकेगा नहीं, उत्तेजना ज्यादा देर टिकेगी नहीं, चिड़चिड़पन ज्यादा देर टिकेगा नहीं, दूसरे के प्रति मन में घृणा, दूसरे के प्रति मन में खराब विचार ज्यादा देर के देंगे नहीं, थोड़ी देर रहेंगे फिर उसके बाद शांत होंगे, तो यही अच्छा है। इसी को आइडियल कहा जाता है। आप कोई भी काम करते हैं ना, कोई भी काम करें तो भी पड़ता ही है, वो तो होने वाला है। आप कुछ भी काम करें, मेहनत का करें तो बीपी बढ़ने वाला है। फिर इतना है कि काम खत्म होते ही उसको शांत हो जाए। जो ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं उनका बीपी बढ़ता तो है, तो शांत नहीं होता, ये है समस्या। तो उनको जो गोलियां दी जाती हैं, दवाएं दी जाती हैं, जो उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है इस बात के लिए कि भाई बीपी बढ़ता है जब जरूरत तो बढ़ने, फिर उसके बाद तो शांत भी होना चाहिए, ये है। शुगर बढ़ती है, सबकी शुगर बढ़ती है। कोई भी समय पर आप जब कोई काम करने के लिए तैयारी करेंगे तो शुगर भी बढ़ेगी, ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, इंसुलिन एनर्जी लेवल शुगर बढ़ेगी, फिर थोड़ी देर बाद तो कम भी होनी चाहिए, बीपी बढ़ेगा फिर थोड़ी देर बाद कम भी होना चाहिए। तो ये सारा किस्सा शुगर बढ़े कम हो जाए, बीपी बढ़े कम हो जाए, ये सब जिस नाड़ी से संचालित है उसी को सूर्य नाड़ी कहते हैं। इसकी बहुत जरूरत है, मैंने आपको समझा दिया, जीवन इसी से चलता है। फिर इसके विपरीत है चंद्रनाड़ी। चंद्रनाड़ी वो है जो आपको कल्पनाशीलता सिखाती है, कल्पनाएं आप करते हैं, इमेजिनेशन, आप में प्रेम, वात्सल्य, करुणा, दया, ममता, ये सारे गुण पैदा करते हैं ये चंद्रनाड़ी। आप में कल्पनाशीलता होगी, इमेजिनेशन होगा, आप में इंटेलिजेंसी है, बहुत आप ब्रिलियंट है, बहुत होशियार है, ये सारे लोग, आप बहुत ईमानदार हैं, आप हमेशा सच बोलते हैं, कभी भी दूसरे की बुराई नहीं करते हैं, दूसरे की बुराई सोचते भी नहीं है, करना तो दूर की बात है। तो आप समझ लीजिए चंद्र नाड़ी के प्रभाव में है। अब मनुष्यों का स्वभाव होता है ना, तो हम नाड़ियों के हिसाब से स्वभाव का वर्गीकरण करते हैं, हम माने जो भी चिकित्सा करके मानते हैं कि भाई आदमी चंद्र नाड़ी वाला है कि सूर्य वाला है। तो बात इसलिए की जाती है, पेशेंट से हम बात करते हैं, फिर पता करते हैं, बात में पूरी नहीं समझ में आई तो उसकी आंखें देखते हैं,
सबसे ज्यादा देर हम लोग लगाते हैं आंखें देखने में, फिर आंखों से पता करते हैं कि भाई ये किस कैटेगरी में आता है, ये चंद्र वाला है कि सूर्य वाला है। आंखें कभी झूठ नहीं बोल सकती और आंखों से कोई बच नहीं सकता। इसलिए दुनिया के हर देश में अब आंखों के ही प्रदूषण होने लगे, एयरपोर्ट को तुरंत पहले आंख देखो कह रहे हैं, कभी ये झूठ नहीं बोल सकते। कई बार मुंह में झूठ बोल देता है, तो आंखों से देखते हैं। बार-बार जी कहते हैं कि पोल्यूशन जो है कई स्तर पे होता है, तो पहले ये पोल्यूशन करो कि ये चंद्र वाला है या सूर्य वाला। तो जैसे ही हम तय कर लेते हैं कि ये चंद्र वाला ये सूर्य वाला, तुरंत दवाओं का क्लासिफिकेशन हो जाता है एक झटके कि ये दवाएं इसके काम आएंगी या नहीं आएंगी, सूर्य नाड़ी की दवाएं हैं चंद्र नाड़ी की दवाएं। तो दवाओं का सिलेक्शन हो गया, हजारों दवाओं में से अब निश्चित हो गया कि इतनी इसमें इतनी इसमें। फिर थोड़ी देर के बाद हम स्वभाव की जानकारी लेते हैं, तो फाइनल लेवल पर पहुंचते हैं, तो दवाएं हमारे लिए सिलेक्शन का होता जाता है और अंत में जाके दो या तीन दवाएं बचती हैं, तो हम कहते हैं ये आपको लेना या ये आपको करना। तो ये सारी दवाओं का खेल नाड़ियों से ही संचालित है। तो आपके शरीर में एक सूर्य नाड़ी, एक चंद्र नाड़ी और एक मध्य नाड़ी, मध्य नाड़ी दोनों के बीच की है और चंद्र और सूर्य का मैंने जानकारी दे दिया। मध्य नाड़ी वाले जो पेशेंट होते हैं वो ना ज्यादा गुस्सा करेंगे ना ज्यादा किसी को पेन करेंगे, ना उनको बहुत उत्तेजना आएगी ना बहुत शांत करेंगे, ना हम किसी को बहुत घृणा करेंगे और ना किसी की मदद ज्यादा करेंगे। वो बीच वाले हैं, मध्य वाले बीच का रास्ता, ना वो लेफ्ट होंगे ना वो राइट होंगे, बीच वाले। आयुर्वेद ये कहता है कि ये बीच वाला ही रास्ता अच्छा है। तो आपके क्यों अच्छा है, चंद्र वाला क्यों नहीं अच्छा, उसमें तो सारे सदगुण है, बहुत सदगुण भी नहीं चाहिए, बीच वाला रास्ता चाहिए। अगर श्री कृष्ण की भाषा में मैं कहूँ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि मोह मत कर, ये जो चंद्र नाड़ी है ना ये मोह में फंसाई, मोह मत कर, तेरे भाई है मानव है तू मारने से डर रहा है, तू मुझे मोह पर हो गया है। मतलब ये है कि उस समय चंद्र नाड़ी बहुत सक्रिय है और ये चंद्र नाड़ी बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाएगा, अंतिम स्थिति कहाँ आती है, आदमी कायर हो जाएगा, नपुंसक हो जाएगा। जब चंद्र नाड़ी एक्सट्रीम हो जाएगी, बिल्कुल कायरता आ जाएगी, बिल्कुल नपुंसकता आ जाएगी, तो बड़ी मुश्किल होती है दवा करने इलाज। तो बहुत ज्यादा उधर भी नहीं जा रहा है चंद्र की तरफ, बहुत ज्यादा सूर्य की तरफ भी नहीं जा रहा है, बीच में है। तो आप कोशिश करिए कि आपकी नाड़ी मध्य है, तो सब चीजें आपकी जिंदगी में संतुलित हों, सब चीजें संतुलित। तो संतुलित जीवन ही भारत का आदर्श है। यहाँ देखिए भारत में किसी भी ऋषि मुनि ने किसी भी शास्त्र ने संपूर्ण त्याग की बात नहीं कही सब व्यवस्थाओं के लिए। आपके वो कहते हैं त्याग भी करो जीवन में, सब भोगी मत करो, लेकिन भोग करो तो त्याग मूल मत करो। आपको सुन के हैरानी होगी, इस दृष्टि के सभी शास्त्र ये कहते हैं भोग से छुट्टी नहीं है, भोग तो करना ही है, बस त्याग पूर्वक करना, हमें मध्य करो, सिर्फ भोग में बन जाओ, सिर्फ त्याग त्याग पूर्वक भोग जाओ। और आपने सुना ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किं जगत्याम जगत्तेन यत्तेन रुचिता मां हृदयं कस्यते। जो सारे चराचर जगत में रूपी है वो भगवान का दिया हुआ है, इसलिए इसका भोग तो करना है लेकिन त्याग पूर्वक करना है। तो आपको कमंडल लेके हिमालय में नहीं जाना, आप लोगों के लिए नहीं है हिमालय, आपको तो यही रखना है, भोग भी करना है और जीवन भी चलाना है और त्याग के साथ चलना है। तो ये मध्य नाड़ी यही सिखाती है, त्याग पूर्वक भोग ये मध्य नाड़ी सिखाती है, प्रेम पूर्वक गुस्सा ये मध्य नाड़ी सिखाती है, क्या कराती सिखाने से अच्छा शब्द इस्तेमाल करना का। तो मध्य नाड़ी क्या कराएगी, त्याग पूर्वक भोग कराएगी, प्रेम पूर्वक गुस्सा कराएगी। ऐसे समझ लो माँ जैसी है ये मध्य नाड़ी, माँ जो है ना अपने बेटे में जरूरत पड़ेगी तो गुस्सा भी करेगी और जब जरूरत होगी तो उसको प्यार करेगी, जरूरत होगी तो उसको डांटेगी, जरूरत होगी तो फिर उसको समझाएगी। देखो ऐसे नहीं है, तो मध्य नाड़ी ऐसा मान लीजिए कि माँ में जितने गुण है वो मध्य नाड़ी वाले इमोशनल भी है लेकिन कठोर भी है, दोनों का माँ इमोशनल भी होती है और कठोर भी होती है। कठोर का आ जाता है तो आप कल्पना नहीं कर सकते 10 मिनट के लिए भी माँ है। हाँ
क्योंकि मध्य नाड़ी तो स्त्रियों के बारे में थोड़ी आज बात आगे बढ़ रही है। स्त्रियों के बारे में बात करते ही कहते हैं कि सामान्य रूप से जो स्वस्थ स्त्रियां हैं उनकी मध्य नाड़ी ही प्रबल है सामान्य, और सामान्य रूप से जो पुरुष हैं उनकी सूर्य नाड़ी प्रबल है सामान्य रूप से। ये नेचर में है, अब ये क्यों है इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। सामान्य रूप से पुरुषों की सूर्य नाड़ी प्रबल है और सामान्य रूप से बच्चों की चंद्र नाड़ी प्रबल। बच्चों में आप देखिए प्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा, ये अलग है उनके पास शब्दों की कमी है उसको व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन आप इमेजिनेशन करवाना है तो बच्चों से करवा के देखिए। तो बच्चे सामान्य रूप से चंद्र नाड़ी के प्रभाव में है, बड़े सामान्य रूप से सूर्य के प्रभाव में है, स्त्रियां सामान्य रूप से मध्य नाड़ी के प्रभाव में है। अब इसको बात कितने डॉक्टर जरा ले जाए बच्चों के बारे में, मैंने कहा था वो सब प्रधान है ठीक है, तो जिनकी चंद्र नाड़ी है प्रबल वो कब प्रधान ही होंगे, जिनकी सूर्य नाड़ी है प्रबल वो पित्त प्रधान होंगे। गुस्सा है, झगड़ा है, मारामारी है, गालियां बजना है, ये सब सूर्य नाड़ी का प्रभाव। तो ये सब पित्त वाले हैं। अब वात वाले कहां जाएंगे, ये लगभग बीच में रहेंगे मध्य नाड़ी के नजदीक वाले पास। तो आप देखिए सामान्य रूप से महिलाओं को वात की बीमारियां सबसे ज्यादा है, जो भी उल्टा वात में तो पहले ही शुरू हुआ क्योंकि वो मध्य नाड़ी का चक्कर है। पुरुषों को किडनी बीमारियां सबसे ज्यादा और बच्चों को कम। तो अब ये किस्सा यहाँ थोड़ी देर के लिए विराम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये नाड़ी को पहचाने कैसे थी, तो एक तरीका तो मैंने बोल दिया कि आपकी नाड़ी कौन सी चल रही है, कब प्रबल है कौन सी, तो आप नहीं रखो नाक के नीचे फिर वो कौन सी नाड़ी चल रही है, तो जहां से तेज हवा आ रही है और जा रही है बस समझ लो वो नाड़ी चल रही है। तो आइदर राइट और लेफ्ट चल रही है, चलने का काम ही कोई करते हैं मध्य नाड़ी इसमें मानी जाती है चलायमान नहीं, तो आप नाक से और जो समय जो नाड़ी चल रही है उस समय आप ध्यान रखिए उसी के प्रभाव में। अगर सूर्य चल रही है तो पृथ्वी के प्रभाव में, चंद्र चल रही है तो कर्क के प्रभाव में। तो अपना इलाज करते समय या दूसरों का इलाज करते समय आप ये ध्यान रख सकते हैं कि भाई मैं इस समय पृथ्वी के असर में हूँ तो अब मुझे क्या करना चाहिए, पित्त को कम करने के लिए दवाएं खानी या औषधि लेनी या नियम का पालन करनी, या कर्क को कम करने के लिए दवाएं खानी है नियम का पालन करनी। और बात पित्त कफ के हिसाब से मैं बहुत बार आपको पिछले 10 दिनों में बोल चुका हूँ ये दवा ऐसी है ये दवा, जैसे मेथी का दाना वात नाशक कफ नाशक दोनों, त्रिफला का चूर्ण वात नाशक कफ नाशक दोनों, इसी तरह से अजवाइन अजवाइन पित्त नाशक। तो आपको ये बताई जा चुकी है शायद आपने लोग भी की होंगे, नहीं तो किताबों में ये डिटेल लिस्ट है कौन सी चीज क्या नाशक। अब आपको आगे थोड़ा बढ़ के बात करता हूँ, आगे बढ़कर एक छोटी सी बात कहकर बीच में थोड़ी देर के लिए ब्रेक देना कि ये नाड़ियां नाक से पता हो गई ये सबसे आसान है, इसमें कोई कठिनाई नहीं, बस थोड़ी रख के पता हो गई, बस ध्यान रखना है कि कौन सी चीज कब खाए। मान लो बात नाड़ी है सॉरी कब नाड़ी है चंद्र नाड़ी है और आपने कोई ऐसी चीज खाई जो कब पढ़ाए तो आपके लिए उल्टा हो जाए, तो ध्यान रहे कब नाशक। मैंने किताबों में हर जगह हर दवा के साथ ब्रैकेट में यानी तो साथ में लिखा है कब नाशक वात नाशक पित्त नाशक, ये नाशक शब्द का ध्यान रखना है किताब पढ़ते समय पुस्तक में या तो साइड में लिखा है नहीं तो ब्रैकेट करके लिखा, कोई भी दवा ऐसी लिखी नहीं है किताब में जिसके बारे में पता नहीं कि कब नाशक या वात नाशक या पित्त नाशक। तो नाड़ी के बारे में इतना ध्यान रखना है कि जो चल रही है उसकी उल्टी दवा, नाड़ी चल रही है चंद्रमा की तो ध्यान रखो कि इसको कंट्रोल करने के लिए दवा देनी है आपको, तो ये एक तरीका है नाड़ी को देखने का। दूसरा तरीका है जो ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं वैद्य है चिकित्सक है वो आपकी नब्ज देखते हैं, नब्ज देख के नाड़ी पता चलती है। तो कैसी नब्ज चले तो कौन सी नाड़ी है, कैसी नब्ज चले तो कौन सी नाड़ी है और कैसी नब्ज चले तो कौन सा योग है दांत है विपित्त है ये कब है, ये मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, तब तक के लिए थोड़ा सा नाम सुनिए।
आ रहे ठीक है तो भी थोड़ा। अब मैं आपको एक छोटी सी जानकारी, देखिए मैंने थोड़ी देर बाद पहले आपसे कहा ना इस दुनिया जो है किसके नजदीक में जय बताइए बच्चे बच्चे हैं और पुरुष मरे बड़े लोग। तो अब देखिए स्त्रियों की क्योंकि मध्य नाड़ी है इसलिए उसकी गति पुरुषों की गति से अलग होती है और मध्य नाड़ी का ज्यादा असर जो होता है ना वो शरीर के लेफ्ट और एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम लेफ्ट असर है उसका वो ब्रेन से कनेक्टेड है। तो माना ये जाता है कि स्त्रियों की नाड़ी परीक्षा जब की जाती है तो उनका बायां हाथ देखना क्योंकि वो मध्य और मध्य के आगे वाले हिस्से में आते हैं और पुरुषों की सूर्य नाड़ी के प्रताप में जो उनको दायां हाथ देखना है। तो कभी पुरुष की नाड़ी देखनी है हाथ लगाते हैं तो दाहिने हाथ को ही पकड़ना है और स्त्री की देखनी है तो माँ घर के लोगों के साथ करिए छोटे बच्चों के साथ करिए जैसे भी मिले इसका अभ्यास करते रहिए। दिन में 15-20 मिनट भी अभ्यास किया तो 8-10 दिन में बराबर आप इस पर हाथ उठिए और देखना शुरू कर देंगे। अब आगे से पित्त की तरफ वापस बात पित्त कप की तरफ चलते नाड़ी में आपने हाथ रखा उंगलियां रखी अब आपने स्पंदन महसूस करना शुरू किया। अब इसको गिनना है गिनने से सब चीजें तय होती गिनना है तो क्या गिनना है धड़कन गिनती है। तो आप जब गिनेंगे ना तो सबसे अच्छी गिनती आएगी बीच की उंगली पे हमेशा इस पे ध्यान रखिए सबसे अच्छी गिनती आगे और पीछे वाली उंगली पे कम आएगी आएगी लेकिन बीच वाली पे सबसे अच्छी आएगी। तो मध्य नाड़ी है आप समझ लो बीच वाली मध्य नाड़ी की ही गिनती सबसे अच्छे तरीके से काम होती है और अगर ये काउंटिंग आपने सीख ली तो आपने आधा जग जीत लिया ऐसा समझ। अब इसकी काउंटिंग कैसे करनी है एक मिनट में आपको इसकी धड़कन गिननी है ये चल उठती है धड़क रही है एक ऊपर नीचे एक मिनट तो एक मिनट में आप इसको गिनना सीखिए। तो आप बोलेंगे अभी ये कैसे गिनी जाएगी अब मैं आपको एक सूची बताता हूँ आप उसको लिख लीजिए मैं बाद में समझाऊंगा एक मिनट में कितनी चलनी चाहिए। अगर एक मिनट में इतनी चलनी चाहिए तो वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो वो अस्वस्थ। तो अब मैं बात करता हूं बच्चों से शुरू करता हूं लिखेंगे छोटे बच्चे हैं उनकी एक मिनट में कितनी चलनी चाहिए धड़कन कितनी है आपको वो स्वस्थ है अस्वस्थ है इसको तय करना। अब गर्भस्थ शिशु है जो माँ के पेट में है उसकी भी नाड़ी परीक्षा होती है माँ की मदद से तो अगर गर्भ का बच्चा है उसके स्पंदन सुनने हैं उसकी धड़कन गिननी है और उसको हम माने कि वो स्वस्थ है तो उसकी एक मिनट में 140 से 150 धड़कन स्पंदन 140 से 150 एक मिनट जो माँ के गर्भ में है बच्चा आप चाहे तो गिन लीजिए माँ की नाड़ी पे हाथ रखिए जो गर्भावस्था में आपको ये गिनती आई जाएगी एक मिनट में 140-150 गर्भस्थ शिशु जन्म ले लिया जैसे ही जन्म लेगा तो ये स्पंदन घटता हर समय ये घटता ही रहता सबसे ज्यादा है 140-150 अब आगे की जिंदगी में एक कम ही होता जाएगा। तो जन्म लेते ही पहले दिन का शुरू वो तो ऑपरेटर से है तो मैं अभी दिखाता हूँ करके कैसे नापते है कोई डॉक्टर ब्लड प्रेशर चेक करने का यंत्र है तो मान के लाओ देगा या उससे बोलो डॉक्टर को बोलो कि सबको सिखाने का है आजकल क्या हुआ है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आ गया है मुश्किल से एक सवाल से ऊपर का आता है तो वो एकदम सीधे बताता है डिस्प्ले सीधे आ जाता है आप उसको लगाओ पट्टी बांधो और पंप करो हवा तो ये सीधे बता देता है कि आपका उच्च रक्त इतना है दबाव निम्न रक्त दबाव एक ही सेकंड में बता देता है तो वो आप चाहो तो खरीद के घर में रख लो 125 रुपए का है। तो यही कहते हैं ब्लड प्रेशर नापने का यंत्र बीपी ऑपरेटर्स कहो उसको ऑपरेटर्स यंत्र
ब्लड प्रेशर नापने का यंत्र, उसमें ऊपर लिखा रहता है एक डायस्टोलिक माने हाई, सिस्टोलिक लो, ऐसा उसमें लिख के आता है 72 से 74 सामान्य है। नहीं वो मत जाइए उसमें, 90 का कैलकुलेशन मत करिए, इसमें कंफ्यूजन होगा। आप सीधे नाड़ी की गिनती करिए, 1 मिनट में 72, 74, 75 तक है तो सामान्य है, 80 के ऊपर है तो हाई है, और 72 के नीचे है तो लो। नाड़ी गिन लीजिए, ये सबसे सरल है, यंत्र से भी सरल है, और यंत्र कई बार खराब हुआ तो धोखा देता है, नाड़ी किसी की धोखा नहीं देते। तो नाड़ी पकड़ना सीख लीजिए, धीरे धीरे अपना पकड़ते रहिए। पहले तो आपको तलाशने में तकलीफ आएगी, है कहाँ, तो कभी यहाँ रख के देखिए, कभी यहाँ रख के देखिए। सामान्य रूप से ये है, मैं जहाँ हाथ रखा हूँ 3 उंगली मेरी रखी है, ये जगह पर सबकी नाड़ी है, राइट की ही देखनी चाहिए, ये है देखिए, मेरी उंगली यहाँ रखी है। आप खुद टच करके देखिए ना, पंपिंग है रही है वही आपकी, तो इसको गिन लीजिए, सरल माहिती दे रहा हूँ, ये कभी झूठ नहीं बोलते। पेशेंट झूठ बोलेगा, ये नहीं झूठ बोलते। हाँ तब नहीं, 10 मिनट बैठने दीजिए, फिर उसको कहिए कि आप दिखाओ। तो अगर आपने ये देख लिया 72 से 75 है तो सामान्य, 80 के ऊपर तो हाई ब्लड प्रेशर, 72 के नीचे तो लो, बढ़ जाता है। घबरा रहा है तो वो खुद ही बताएगा, नहीं मिला, नहीं मिला, ये जो दिख रहा है ना, ये हर एक को है ये। तो आप जो है नाड़ी से देख के चेक करेंगे ना तो धोखा नहीं आता, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट धोखा देता है, कई बार खराब हो गया तो 320 बीपी दिखा देता है, 320 में आदमी मर जाता, लेकिन ये दिखा देता है कि आपका 320 है। अभी मेरा हुआ था बंबई में, मैं मेरे दोस्त के घर में बैठा था, वो डॉक्टर है, तो उसने नया नया लाया, उसने कहा राजीव भाई मैं खरीद के लाया, अभी मैंने कहा चलो मैं मेरा चेक करता, तो मैंने मेरे को लगाया तो हाई बीपी मेरा 320 आया, आना चाहिए 140, आ गया 320। अब बोले रहे यार क्या हो रहा है तुमको, अभी एडमिट करना पड़ेगा आईसीयू। मैंने कहा तुम चुपचाप बैठो, मुझे कुछ नहीं हो रहा। तो फिर कह लगा कैसे, मैंने कहा पल्स देखो मेरी, तो पल्स निकाला तो 74। तो मैंने कहा अभी समझ में आया, ये इंस्ट्रूमेंट गलती कर देता है, नाड़ी कभी गलती नहीं करती, तो इसलिए नाड़ी देखना सबसे अच्छा है। अरे यंत्र गलती कर देता है, आपका हाथ गलती नहीं करेगा, क्योंकि यंत्र डेड है, आपका हाथ जीवित है। तो आपने नाड़ी का कैलकुलेशन कर लिया, अब इससे आप मापेंगे ब्लड का प्रेशर, बीपी हाई है बीपी लो है। ब्लड प्रेशर के बाद क्या आएगा, ब्लड प्रेशर के बाद आप तय करेंगे कि ये आदमी किस कैटेगरी में जाएगा, ये बाघ वाला है, ये वित्त में चला गया, या ये प्लस में आ। उसके बाद आप चिकित्सा कर पाएंगे परफेक्ट, थोड़ी अच्छी बेहतर। तो ये हुआ कैलकुलेशन 1 मिनट का। अब जरा आगे चले कि 1 मिनट में अगर नाड़ी इतनी है तो फिर हमारे टेम्परेचर की स्थिति जरा देखिए, माफ करिए ब्लड प्रेशर के पहले टेम्परेचर देखिए, तापमान, बुखार आया है नहीं आया है। तो आपको मैंने कैलकुलेशन दिए, मान लो नाड़ी 60 है, 1 मिनट में 60, ठीक है, तो आप करके देखना, आज ही करके देखना, आपके घर में थर्मामीटर होगा, नाड़ी अगर 60 है तो टेम्परेचर 98°F ही होगा। अगर नाड़ी 1 मिनट में 60 times चल रही है, धड़क रही है, तो बॉडी टेम्परेचर माने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, बिना थर्मामीटर के आप कह सकते हैं कि ये 98°F होगा। और 60 के नीचे है, मान लो 50 है 40 है, तो समझ लेना टेम्परेचर कम ही होगा, शरीर ठंडा होगा, और शरीर ठंडा हो तो मुश्किल आती है। इसलिए ध्यान रखना है कि नाड़ी जो है 98°F के आसपास बने, कम से कम 60 तो लगेगी, 98°F। अब अगर टेम्परेचर बढ़ना है तो नाड़ी भी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटना है तो नाड़ी घटेगी। टेम्परेचर नाड़ी का सीधा संबंध है,
कि अगर नाड़ी में एक मिनट में स्पंदन कम हो रहा है तो टेम्परेचर कम होगा, स्पंदन ज्यादा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अब 60 के आगे चले जाओ, 80 धड़क रही है नाड़ी, 80 के प्लस माइनस 5 होता है, इसमें जब भी कैलकुलेशन करना प्लस माइनस 50 तक चलेगा, प्लस माइनस 5 का मतलब 60 का 65 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है, तो टेम्परेचर उसी के नजदीक होगा 93। उसके ज्यादा आगे पीछे हुआ तो फिर ध्यान देने की बात है। तो 80 है, मान लो एक मिनट में 80, तो टेम्परेचर आ जाएगा 100 डिग्री, 100 डिग्री को एग्जैक्ट 100 90 नाड़ी की गति अभी 90 आ गई, एक मिनट में 90, तो टेम्परेचर हो जाएगा 101 डिग्री। ये भी एक के लिए हाँ कॉमन बच्चों में भी बढ़ोगे। टेम्परेचर होगा तो समझ लो कि आदमी कुछ ना कुछ तकलीफ में है ना, तो उस समय ये ही गति होगी ना। तो 101 डिग्री अगर टेम्परेचर है, इसको उल्टा भी कर लो, 101 डिग्री टेम्परेचर है तो नाड़ी आपकी 90 पे ही रहेगी, और आपको तो देखना है बिना थर्मामीटर के, मैं चाहता हूँ कि वैसा ही आप करें, थर्मामीटर पे डिपेंडेंस कम हो या स्टेथोस्कोप पे डिपेंडेंस कम हो या दूसरे उपकरण पे डिपेंडेंस कम हो, हाथ में सेंसिटिविटी ज्यादा हो। तो 100 है, अब आगे चले 100 वाला लिखा, 100 है तो टेम्परेचर हो जाएगा 102 डिग्री, एक मिनट में 100 तो टेम्परेचर 102। फिर 110 है नाड़ी, एक मिनट में 110 तो टेम्परेचर 103 डिग्री आ गया, फारेनहाइट सेल्सियस में फारेनहाइट। फिर अगर 120 आ गई नाड़ी एक मिनट में तो टेम्परेचर बढ़कर 104 आ गया, फिर 130 आ गई तो टेम्परेचर बढ़कर 105 आ गया, फिर 140 आ गई तो टेम्परेचर 106 आ गया। मतलब इसको सीधा सा देखेंगे, हर 10 स्पंदन बढ़ने पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये बात आपके ध्यान में लानी है, इसलिए मैंने इतनी लंबी बात कही। आपके ध्यान में जो बात लानी है वो ये कि हर 10 स्पंदन बढ़े आएंगे तो टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ता है, ये ध्यान रखना। और दूसरी बात ध्यान रखनी है कि नाड़ी का स्पंदन बढ़े तो टेम्परेचर बढ़ता है, और वाइसी वर्सा भी जो है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो नाड़ी का स्पंदन बढ़ेगा ही, टेम्परेचर कम होगा तो नाड़ी का स्पंदन कम होगा। एक नॉलेज आपको मिली, बेसिक नॉलेज। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई टेम्परेचर बढ़ा है, अब टेम्परेचर बढ़ा है तो फिर आप ध्यान कर पाएंगे भाई क्या करना, 106 डिग्री बढ़ गया है मान लो, अब इसको नीचे ही लाना पड़ेगा क्योंकि 106 डिग्री के ऊपर जाए तो बहुत तकलीफ है, और चला गया तो बड़ा मुश्किल होता है, ब्रेन हैमरेज की संभावना, मस्तिष्क की बीमारियां ज्यादातर आती है जब टेम्परेचर बहुत ऊंचा चला जाए और देर तक बना रहे, ज्यादा देर ऊंचा टेम्परेचर बॉडी में नहीं रहना चाहिए। साधारण भाषा में कहते हैं ना दिमाग में गर्मी चढ़ जाती है, ये दिमाग की गर्मी इतनी खतरनाक है कि जान लेवा, इसलिए ज्यादा देर टेम्परेचर बढ़ना है तो फिर आप उपाय करेंगे वही कम करना, कम करने के लिए दवाई देंगे, लेकिन ये आप पहले पता कर लें कि है क्या स्थिति हाथ की नाड़ी की परीक्षा, अपना है तो अपना भी पता कर लें, घर वालों का भी पड़ोसी। अब ये टेम्परेचर हो गया नाड़ी की गति, हमारे नाड़ी के कैलकुलेशन से, अभी इसमें ब्लड प्रेशर भी जान लें, ब्लड प्रेशर की क्या स्थिति रहेगी अगर ये टेम्परेचर है तो। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होगा, बहुत बता रहे हैं क्योंकि मैं एक साथ भोजन नहीं डालना चाहता, जितना आप रिसीव करें मैं पहले इससे और इस तरह जानकारी दे दूँ, फिर आप इसमें थोड़ा जाए सरल से कठिन में जाना चाहिए और इस तरह जानकारी दे दूँ, पहले आपको एज के हिसाब से बता दूँ कि ब्लड प्रेशर क्या रहना चाहिए, एज के हिसाब से इस उम्र में कितना रहना चाहिए, इस उम्र में कितना रहना चाहिए, इस उम्र में कितना रहना चाहिए,
जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया बच्चा है जन्म किया तो इतना बार नाड़ी उसकी लड़की है, अब अगर बच्चा है तो उसका बीवी कितना है। इसमें थोड़ी सी एक चीज है जो यूनिक है कि माँ के गर्भ में जब बच्चा है तो उसका बीवी उतना ही होगा जितना माँ का है। आखिरी दिन तक जब तक वो माँ के पास है गर्भ में है तब तक उसका बीवी उतना ही होगा जितना माँ का। तो ये बात तो कॉमन है। इसके आगे चल जन्म ले लिया अब उसका अपना स्वतंत्र बीवी होगा। तो जन्म लेने से पांचवे साल तक भले पहले दिन का बच्चा है और पांचवे साल तक उसका ब्लड प्रेशर हाई और लो जानते हैं दो तरह से नाप रहता है, ये तो कॉमन हो गया इसलिए अब इसमें डिटेल में। तो जो हायर लिमिट है ब्लड प्रेशर की वो होगी 81 और लोअर लिमिट होगी 45। बीपी की हायर लिमिट 81 लोअर लिमिट 45। जन्म से पांचवे साल 1 2 3 4 5 उसके बाद 5 साल से लेकर 10 साल तक 5 से लेकर 10 साल तक ब्लड प्रेशर की हायर लिमिट होगी 90 और लोअर लिमिट होगी 53। 5 से 10 उसके बाद 10 से 15 साल तो ब्लड प्रेशर की हायर लिमिट होगी 100 और लोअर लिमिट होगी 62 62 10 से 15। अब 15 से 20 साल की रेंज में जब बच्चा है तो उसकी हायर लिमिट है ब्लड प्रेशर की 110 और लोअर लिमिट है 71। ये सारे आंकड़े जो है ना भारत के हिसाब से, यूरोप में जाएंगे तो ये बदल जाएंगे, अमेरिका में भी बदल जाएंगे, कनाडा में बदल जाएंगे, ब्लड प्रेशर की उनकी हायर लिमिट अलग है लोअर लिमिट अलग है, ये अपने देश के हिसाब से। तो 15 से 20 बता दिया, 15 से 20 एक ग्रुप में हो जाएगी 110 और 71 हायर लिमिट 110 लोअर लिमिट 71। अब उसके बाद चले 20 से 30 साल की उम्र में, 20 से 30 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर की हायर लिमिट होगी 120 और लोअर लिमिट होगी 80। उसके बाद 30 से 35 साल की उम्र में, 30 से 35 साल की उम्र में हायर लिमिट होगी 124 और लोअर लिमिट आ जाएगी 82। फिर उसके बाद 35 से 40 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर की हायर लिमिट है 126 और लोअर लिमिट है 83। अब इसके बाद बीपी बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, बहुत धीरे। अब चले 40 से 50 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर की हायर लिमिट है 128 और लोअर लिमिट है सिर्फ 84। एक दो का आंसर आता है हायर लोअर। फिर उसके बाद 50 से 60 साल हायर लिमिट है 132 लोअर लिमिट है 86। फिर 60 से 65 साल में हायर लिमिट है 136 लोअर लिमिट है 88। फिर 65 से 80 साल की एज ग्रुप है, 65 से 80 साल की एज ग्रुप है हायर लिमिट है 140 और लोअर लिमिट है 90। 65 से 80 और आखिरी 80 से ऊपर जिनकी भी उम्र 80 के ऊपर है अब वो कितनी भी हो सकती है लेकिन ब्लड प्रेशर का जो लास्ट लिमिट होगा हायर लिमिट को 145 और लोअर लिमिट होगी वो 92।
अगर आपने ये सीरीज लिखी है ठीक से तो आप जरा देखिए कि 20 से 30 साल की उम्र से लेकर और 80 से ऊपर की उम्र में जितने भी हम काम में लिखे हैं इसमें बढ़ोतरी हो रही है, बहुत धीमे चलते हैं। मतलब क्या है, ब्लड प्रेशर जन्म से लेकर 20 साल तक बहुत तेजी से बढ़ता है और 20 की उम्र लेकर फिर मरने तक बहुत धीमे बढ़ता है। इसका मतलब क्या है, सीधा सा मतलब है कि जन्म से 20-21 साल तक शरीर के हर अंग की बढ़त हो रही है, ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है, हड्डियों का डेवलपमेंट हो रहा है, मांस बढ़ रहा है, मज्जा बढ़ रही है, रक्त बढ़ रहा है, हर चीज तो डेवलप ही हो रही है ना। 20 से 21 में जाके सब बंद हो जाए, उसके आगे फिर डेवलप होना रुक जाए। तो जो डेवलपमेंट का स्टेज होता है शरीर का, तो ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ता है और एक जगह आकर जब आप स्थिर हो गए, हड्डियों का विकास इतना होना हो गया, उसके बाद ब्लड प्रेशर बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, अब आप किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे आज के बाद बीपी चेक कराएंगे, आप खुद चेक करेंगे। कैसे करेंगे, सूची आपके पास है, इस पे इस एज ग्रुप का है तो कितना होना चाहिए और इंस्ट्रूमेंट उसके बाद ही इस्तेमाल करें। आपको थोड़े दिन में बीपी भी हाथ से चेक कराना सिखाते हैं, जब आपको नाड़ी अच्छे से पकड़ना आ जाएगी ना तो बीपी का कैलकुलेशन भी बहुत परफेक्ट होगा। हमारे सारे वैद्य यही करते हैं, हाथ पकड़ के ही सब चीजें तय करते, वो कोई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि मार्गदर्शी जी ने कह दिया कि हाथ से बड़ा दुनिया में कोई इंस्ट्रूमेंट है नहीं। जितनी सेंसिटिविटी, जितनी संवेदनशीलता इन उंगलियों में है, हाथ में है, वो किसी इंस्ट्रूमेंट में नहीं, क्योंकि सारे इंस्ट्रूमेंट हाथ के ही बने हैं। तो जिसने बनाया है इंस्ट्रूमेंट को, वो ज्यादा सेंसिटिव, लिविंग है, जीवित चीज है, इसलिए हाथ के कैलकुलेशन गलत नहीं पड़ेंगे, मशीनों के तो गलत पड़ेंगे। कई बार आप मशीन पे जाते हैं, बहुत सारी चीजें चेक कराते हैं, अब आप बड़े परेशान है, डॉक्टर कह रहे हैं सब नॉर्मल है, मशीन से फिर आप परेशान क्यों हैं, अगर सब नॉर्मल है। या कई बार बहुत चीजें नॉर्मल कर देगा लेकिन आप नाड़ी देखेंगे तो पता चलेगा कि नॉर्मल ही है हमारा, तो कंफ्यूजन आप नहीं होना चाहिए। आपको डॉक्टर के पास जाकर ब्लड प्रेशर चेक कराकर कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, हमें मालूम है इससे इस एज ग्रुप में बीपी इतना रहता, हायर लिमिट ये लोअर लिमिट ये। अब हमारे भारत के तापमान और तासीर के हिसाब से ये जो ब्लड प्रेशर की हायर और लोअर लिमिट्स हैं इसमें भी प्लस माइनस 5 है। प्लस माइनस 5 का मतलब, अब मैं लास्ट लिमिट बात करता हूँ, मान लो 80 के ऊपर की उम्र है तो 145 हायर लिमिट है बीपी का और 92 लोअर लिमिट है, इसमें 5 आप जोड़ सकते हैं, 5 50। 145 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 150 और 92 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 97। इसी तरह से 145 में से 5 घटाएंगे तो 140 और 92 में से 5 घटाएंगे तो 87। तो ये प्लस माइनस 5 चलेगा, माने 5 ऊपर 5 नीचे बीमारी का कारण नहीं बनेगा। एक और चीज, सभी में इसको ध्यान रखना है, सभी एज ग्रुप में ये प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 5, तो इसको ध्यान रखें कि अगर एज ग्रुप के हिसाब से प्लस माइनस 5 है जल्दी से घटाने से ब्लड प्रेशर की लिमिट से आ रही है तो उसको स्वस्थ ही मानना, कोई बीमारी का शिकार आपका नहीं और उसका कोई इलाज करने के लिए प्रयास मत करना, हो सकता है कि वो अपने से ही होता हो। ठीक है, इतनी बात हुई, एक तो हुई टेम्परेचर की बात, नाड़ी देखने की बात, नाड़ी की गिनती से टेम्परेचर को पकड़ने की बात, अब आगे ब्लड प्रेशर और एक चीज और बता दूं आपके, फिर थोड़े और कॉम्प्लिकेशन की तरफ बढ़ेंगे, सरल से कठिन की तरफ। एक जरा जानकारी ये देनी है आपको कि नाड़ी पकड़ ली आपने और वो धड़क रही है तो उसको किस बात से हम कंपेयर करें, तो हमें पकड़ में आ रही है कि ये बात है लेकिन सहनी बात है, नाड़ी कब की है, बात की है, फिर की कैसे पकड़ में आए, तो बार बार किसी ने इसके कंपेरिजन दिए, कंपेरिजन तुम ना ही उनसे आप पकड़ सकते हैं।
तो ये कंपैरिजन वो ही कर पाएंगे जो प्रकृति को अच्छे से ऑब्जर्व करते, प्रकृति को पढ़ते, वो अच्छे से भी कर पाएंगे। तो आपको पढ़ना क्या है, नाड़ी आपने पकड़ ली, तो आप जी कहते हैं कि नाड़ी की गति देखो कैसी है। अगर नाड़ी सर्प की तरह से चल रही है, सर्प कैसे चल रहा है, ये तरीका है सर्प का, हमेशा सीधा होनी चाहिए, सीधा चलिए तो भी शरीर वैसा नहीं। सांप जो है ना, ये मैं मजाक में कह रहा हूँ, लेकिन इसको आप उसी तरह से ध्यान देगा, सांप हमेशा सड़क पर खेत में कहीं भी चलेगा तो ऐसे चलेगा, जब घर में घुसता है तभी सीधा होता है। आप देखोगे जब वो बिल में घुसेगा तो बिल्कुल सीधा हो जाएगा, और बिल के बाहर रहेगा तो टेढ़ा होगा। तो एक जगह पार्वती जी ने कहा घर सुखी रखना है ना तो सांप के जैसे बनो, घर के बाहर चाहे जितना टेढ़ा मेढ़ा करो घर में सीधे घुसो, माने घर के बाहर जितना करना है उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा बिना नहीं, सब सब घर के बाहर, घर में मत सीधे रहो तो घर जिंदगी भर सुखी रहे। ये सब के लिए स्त्रियों के लिए भी है, पुरुषों के लिए है, जब घर में घुसे तो टेढ़ा मेढ़ा अपन बाहर छोड़ के घुसे, पत्नी भी पति भी बहन भी भाई भी सबके लिए एक ही नियम है। तो आप सांप की गति के बारे में ध्यान रखो, सांप ऐसे चल रहा है, नाड़ी भी अगर ऐसे ही चल रही है ये थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा, आप नाड़ी पे लगातार एक मिनट दो मिनट, आपको हो सकता है पांच मिनट लग जाए सात मिनट लग जाए, टाइम लग ले लो उसको बचाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सीख रहा है, जब सीख जाएंगे तो एक ही मिनट में पता चलेगा। तो नाड़ी देखो अगर सर्प की तरह से चल रही है तो समझ लो ये नाड़ी ऐसे व्यक्ति की है जो बाघ के रोगों की पीड़ा में है या बाघ से पीड़ित, माने बाघ उसका विकृत स्थिति में है, जिसकी नाड़ी सर्प की तरह से चलती हो वो बाघ की स्थिति में है। अब सर्प की तरह से चलने को और माइक्रो लेवल पे जरा ऑब्जर्व करो, सर्प को ध्यान से देखो चलते हुए, अगर आपने देखा भी होगा तो एक जगह पेट उसका पिचकता फिर फूलता, एक पिचकता फिर फूलता, ऐसे ही चलता, जब वो टर्न मारेगा तो पेट फूलेगा और जब टर्न पे ऐसे सीधे चलेगा तो पिचकेगा, फूलेगा पिचकेगा, फूलेगा पिचकेगा, ऐसे ही नाड़ी चलती है। तो आप मान लो कि वो आदमी बात की विकृति में है, ये सबसे सरलतम बात कह रहा हूँ, आगे सब इसमें कॉम्प्लिकेटेड है, सरलतम है कि बात की विकृति कब आती है, जब नाड़ी सर्प की तरह से चलती है या सर्प की तरह से नाड़ी चलने लगे तो बात की विकृति आएगी। तो बात पीड़ित लोगों के नाड़ी देखो आपको एक जैसे ही दिखता है। अब दूसरी है बागवती जी ने दूसरी कंपेरिजन दी है, उपमा दी है, मेडल देना मेडल कैसे चलना पुनर्क पकड़ के, तो नाड़ी अगर मेडल की तरह से चल रही है, जंपिंग हो रही है, जर्किंग हो रही है, झटका मेडल जो है ना एक झटके में जंप हो रहा है, स्मूथ नहीं होती उसकी जंप, झटका हो रहा है, तो नाड़ी पे आपने हाथ रखा हुआ है और वो झटका दे रही है, हर सेकंड्स के कुछ हिस्से में झटका जैसा मेडल की तरह से, तो समझ लो वो व्यक्ति पित्त के रोगों से पीड़ित है, पित्त के रोग या पित्त की विकृति उसको हुई है। और तीसरी है मोर, देखा मोर, मोर कैसे चलता है, आराम आराम से एक कदम रखा फिर दूसरा कदम फिर तीसरा कदम, गति मंद होती है मोर जो है ना, तेज से नहीं चलता, धीरे 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 धीरे, और उसके चलने में बड़ी लय है, रिदम है, जबरदस्त रिदम है, मोर के चलने में बहुत रिदम है। और एक दूसरी पक्षी है जिसके चलने में बहुत रिदम है, बत्तख, मोर है बत्तख है जो रिदम से चलने वाले हैं, नाड़ी भी अगर रिदम पर है धीरे से फिर धीरे से फिर धीरे, तो समझ लो वो व्यक्ति कफ के प्रभाव में है या कफ की विकृति उसको हुई है, जिसके प्रभाव में है उसी की विकृति है। तो फिर से दोहराए, आपने लिख लिया
अगर नाड़ी सांप की गति से है, ऐसे ऐसे फूलना पिचकना फूलना पिचकना, तो आप समझ लो कौन सा है। और अगर नाड़ी आपकी चल रही है मेटल की तरह से थपकते हुए, और नाड़ी अगर चल रही है रिदम में मोर की तरह से, बत्तख की तरह से, और भी जानवर हैं जो रिदम में चलते हैं, तो आप जान लेना कि वो कब की विकृति है। अब आप ये जो कंपेरिजन है ना, ये बहुत बड़े हैं। मैंने थोड़े से निकाल के बाणभट्ट जी की किताब में से आपको बताया। बाणभट्ट जी ने तो बाघ के इतने कंपेरिजन दिए हैं कि कई बार उसको पढ़ते पढ़ते मुझे भी कंफ्यूजन हो गया था। इतने कंपेरिजन सब जानवरों को उन्होंने लिखा कि ये बाघ की तरह से, ये मृत्यु की तरह से, ये काफ की तरह। मैंने उसमें से सबसे सर्व निकालकर जो आपको समझ में आ जाए इतना बताया, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं। जब आपकी सिद्धता बढ़ती जाएगी तो वो डिफिकल्टी और डिफिकल्ट कंपेरिजन में आप जाएंगे, बहुत मजा आएगा। अब खाली बात इससे कभी नहीं है, आगे के बारे में जब बात चलेगी तो बागवट जी कहते हैं कि बात और कफ भी हो सकता है, कफ और पित्त भी हो सकता है, पित्त और बात भी हो सकता है, ये आपस के तीन तीन और कॉम्बिनेशन बनते, तो उसमें सब में नाड़ी की गति बदलेगी, बात फिर तो एक हो जाएगी, फिर का वाला एक हो जाएगी, लेकिन उसमें कभी बाद में बात करेंगे, ज्यादा कंफ्यूजन है। और एक जानकारी दे दूं इसी के साथ जुड़ी हुई, ये नाड़ी का परीक्षण हम सीखे आज से, लिख लिया है आपने, बार बार इसका अभ्यास करते हैं। आंखों का परीक्षण भी सीख है, अब हेल्दी पर्सन की आप एज ग्रुप पहले डिफाइन करो, बताओ एज ग्रुप बताओ। अबव 60 तो अबव 60 में आप जरा पढ़ो क्या निकाला मैंने आपसे, आपको ही बता दूं कैसे निकाल दो। अबव 60 पे आ जाओ, 75 नहीं, हाँ सॉरी 65 टू 75, गुड, यस। बहुत अच्छा बात आ गई, उदाहरण भी आ गया। अब हमको ध्यान रखना है कि 60 से 80 के बीच में, 90 के बीच में, 100 के बीच में, तो एक लिमिट है 75, उसके कम से कम 75 अधिक से 85, इसका मीन निकालो, बस वही ना मीन निकालो, मतलब दोनों को जोड़ो दो का भाग दो, एवरेज कहते हैं ना। वैसे एवरेज बहुत खराब शब्द है लेकिन समझाने के लिए, तो आप दोनों को जोड़ दो, 75 और 85 को जोड़ दो, दो से भाग दे दो, जो अंक आएगा वो आइडिया आप रेंज में है 60 से 80 के, तो आपको वही करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ो दो का भाग दे, ठीक है। ऐसे मान लो मैं बात कर रहा हूँ 55 साल के आप, बस 65 से 75 वाले एज में जाएंगे, हमारे ग्रुप में जाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे, दो का भाग दे देंगे, जो अंक आएगा वो आएंगे आपको, तो ऐसे आप कैलकुलेट कर देंगे। और टेम्परेचर के हिसाब से नाड़ी, नाड़ी के हिसाब से टेम्परेचर आप करना कर लेंगे, सरल बात है। फिर आपको नाड़ी कैसे चल रही है इसके बाद फिर कब तय कर लेंगे, और बाद फिर कब जब तय हो गया तब आपका मेडिसिन तय हो जाएगा कि आपको अब कौन सी दवा लेनी है, जो पाचनाशक है, पित्तनाशक है, कब। बहुत अच्छा सवाल है, 72 जो पल्स है वो आपको मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ, यूरोपियन अमेरिकन स्टैंडर्ड से है, यूरोपियन अमेरिकन स्टैंडर्ड से है। हमारे भारत के सभी डॉक्टर जो MBBS करते हैं
सब के सब वही सिलेबस पढ़ते हैं लगभग जो यूरोप और अमेरिका में है, और जो स्टैंडर्डाइजेशन है स्टैंडर्डाइजेशन को यूरोप या अमेरिका है। तो भारत में थोड़ा अंतर आएगा, हर बार अंतर आएगा, हीट में भी अंतर आएगा, टेम्परेचर में भी अंतर आएगा, पल्स में भी अंतर आएगा। तो डॉक्टर जो बता रहा है वो बुक है जो उनके टेक्स्ट बुक में उसको पढ़ाया गया और सिखाया गया। टेक्स्ट बुक सभी की सभी यूरोपियन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के स्टैंडर्ड पे बनी हुई है। भारत के स्टैंडर्ड में जो टेक्स्ट बुक बनी है वो एक ही जगह से छपी है या आज तक हमको पढ़ने को मिली है, गुरुकुल कामिनी विश्वविद्यालय एक है जो आयुर्वेद की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, आर्य समाज ने उसको बनाया। वो यूनिवर्सिटी से जो निकली है किताबें जो भारत के लिए स्टैंडर्ड बनाने वाली यूनिवर्सिटी है उनका ये वैल्यूएशन है जो मैंने आपको बताया। तो डॉक्टर कह रहा है एक बार आप अपना कैलकुलेशन भी ध्यान रखो, डॉक्टर कह रहा है यूरोपियन अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको ध्यान रखना है अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो भारत की ताकत के हिसाब से मैंने आपको बोला प्लस माइनस फाइव, ये यूरोप में नहीं चलता प्लस माइनस फाइव किसी भी कैलकुलेशन में नहीं चलता। अच्छा, और एक छोटी सी बात है, ये बात जो है ना अपवाद है, ये रूल है, आप जानते हैं कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं दुनिया, तो अपने देश में भी कुछ एक्सेप्शन है जो दुनिया वालों को समझ के नहीं आते। वो एक एक्सेप्शन आप ध्यान रख सकते, आप अगर इस बात में बहुत फंस गए कि बीपी आई है या बहुत लो है बहुत हाई है बहुत लो है तो दिमाग में हो जाता है टेंशन, तो इसको ऐसे याद रखो। सर मैं ये 10 साल के तजुर्बे से बता रहा कि सीढ़ियां चढ़ते हुए आपको कोई तकलीफ अगर नहीं है, आराम से सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं, तो आप जान लीजिए कि बीपी आपका नॉर्मल है, रेंज कुछ भी सीढ़ियां चढ़ते हुए अगर आप कोई तकलीफ महसूस नहीं करते तो जान लीजिए कि बीपी नॉर्मल है, चाहे रेंज कुछ भी। अब मैं एक उदाहरण से समझाऊंगा, सीढ़ियां चढ़ते हुए आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही और ब्लड प्रेशर नापा आपने तो वो बता रहा है कि नीचे वाला तो 90 है और ऊपर वाला 150 है 160 है, या नीचे वाला 100 हो गया ऊपर वाला 170 है, लेकिन सीढ़ियां चढ़ते हुए आपको कोई तकलीफ नहीं, तो आप एक बार को रेंज भूल जाना है, सीढ़ियां चढ़ना जाना है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका रेंज के हिसाब से तो बीपी बहुत हाई है और 20 साल से मैं उनको देख रहा हूँ सर्दी और जुकाम भी नहीं हुआ और रेंज हाई है बीपी हमेशा। मेरे घर में एक बहन आती है काम करने के लिए, वो झाड़ू पोछा करती है, उसका बीपी जब भी मैंने देखा है मैं परेशान हो गया कि ये इतनी रेंज में और ये जीवित है, और मैंने कई बार उसको शक किया तुमको कुछ तकलीफ तो नहीं है, उसने कहा आपको क्या लगता है तकलीफ सीढ़ियां चढ़ती हूँ सीढ़ियां उतरती हूँ कोई तकलीफ नहीं। और मैंने ये एक नहीं दो नहीं पांच नहीं 100 200 500 1000 ऐसे पेशेंट देखा जिनकी रेंज बहुत हाई थी या रेंज बहुत लो, ना तो सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ है ना उतरने में। तो बस आप ये याद रखना ये भारत का हिसाब है, असली ये क्या सीढ़ियां चढ़ते समय कोई कॉम्प्लिकेशन महसूस नहीं करते, सांस आपकी नॉर्मल है, हृदय की धड़कन भी ठीक ठाक है, तो आप समझ लेना आपको कोई बीपी लेने की शिकायत नहीं। दिमाग में वायरस मत डाल और जो सीढ़ियां चढ़ते उतरते कंप्लेंट आने लगे, या तो आपको मुंह सूखने लगे या तो होंठ सूखने लगे या तो हृदय की धड़कन बढ़ने लगे या तो सांस रुकने लगे या तो आपको रुकना पड़ जाए सीढ़ियों में, तभी आप आगे बढ़ना है। अब हमको तो कुछ प्रॉब्लम है और वो है क्या है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन तजुर्बे से आया हुआ ज्ञान है, बार बार टीवी ने ये नहीं लिखा, ये 10-12 साल से मैं करते करते देखा सीखा समझा कि जिसको सीढ़ियां चढ़ते हुए कोई तकलीफ नहीं है। अब मैंने इसमें और एक दो चीज जोड़ी है वो भी आप ध्यान रखो कि आपको अगर पता करना है कि मैं ओवर वेट हूं कि नहीं, मुझे वजन ज्यादा है कि नहीं, तो एक तो बॉडी मास इंडेक्स है
ये बॉडी मास इंडेक्स तो यूरोप अमेरिका का स्टैंडर्ड है, हिंदुस्तानी स्टैंडर्ड ये है वो ये कि सीढ़ियां चलते समय कोई तकलीफ नहीं है तो आपका वजन आपके लिए ठीक है जी। क्या जब भी बात हो रही है एक फ्लोर में जितनी सीढ़ियां होती हैं 18-20 जो भी होती है 10 भी होती है 12 भी होती है, एक ही फ्लोर की बात कर रहा हूँ। एक फ्लोर को चढ़ते समय अगर आपको कोई तकलीफ नहीं आ रही है, ना रुकावट आ रही है, ना रुकना पड़ रहा है, ना रहे, तो वजन भी आपका बराबर है, वो भले 150 किलो। हाँ मैंने ये देख लिया कि अगर आपको एक मंजिल सीढ़ी चढ़ने में कोई तकलीफ नहीं है और वजन भले 150 किलो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आपको कहीं भी कोई ब्लॉकेज नहीं है, कहीं आपका कोलेस्ट्रॉल तकलीफ की स्थिति में नहीं है, कहीं ट्राइग्लिसराइड आपको परेशान नहीं है, माने आपको नॉर्मल अगर है सीढ़ी चढ़ना उतरना, वजन कितना भी रहने दो, बीपी कितना भी रहे, आप अपने को समझना हम तो स्वस्थ हैं। और जब सीढ़ी चढ़ने में एक मंजिल में तकलीफ शुरू हो जाए तब समझना की गड़बड़ है, तब आगे बढ़ना जरूरी क्या करना क्या। तो मेरी बात अब मानो, ये वजन कम करना तब शुरू करना जब सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ आए, जब तक नहीं आ रही है वजन कम करने की कोशिश मत करो, जैसा है ट्रेन करो। ये मोटी बात है जो आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूं। नहीं तो क्या होता है कि ये वजन बढ़ने का ऐसा फिजूल समय आ गया है, घुस गया है वायरस, कि जो देखो वो कह पतला होना चाहता है, पतला होना है, क्यों परेशान हो रहा है। अब दुनिया में ये बहुत बड़ा वो है इंडस्ट्री, आपको मालूम है वजन पतला करने का सबसे बड़ा इंडस्ट्री चल रहा है इस समय। हाँ, अब वो बीसीओ नाम से चल रहा है, नाम लेने से कोई फायदा नहीं है। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है यूरोप में और अमेरिका में, अब ये भारत में भी आ गई है। इनको बनाना है पैसा, इनको करना है धंधा, उनको आपके हेल्थ से कुछ लेना देना है, उनको पैसा चाहिए, आप इतनी फीस ले लो तो ये इतनी फीस ले लो। तो हम अक्सर उनके चक्करों में फंसकर परेशान होते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 10 दिन शिव शाह भवन में मैंने जो पेशेंट देखे उनमें से बहुत पेशेंट ने मुझे कहा वजन कम करना है, क्यों करना है, मुझे नहीं लगता कि आपका वजन ज्यादा है, नहीं कुछ बताओ आप मुझे, तो कम ही करना है, क्यों कम करना है, कोई ज्यादा हो गया कैसे मालूम आपको ज्यादा है आपका वजन, तो उनको मालूम नहीं है। किसी ने बोल दिया कि आप मोटे दिख रहे हैं या किसी डॉक्टर ने कह दिया आप पतले दिख रहे हैं, ये डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन पे नहीं, आप अपने ऑब्जर्वेशन पे तय करो। मैं सीढ़ी चढ़ सकता हूँ एक मंजिल आराम से और उतर सकता हूँ, तो कोई तकलीफ नहीं है। अगर चढ़ने में हो रहा है तो दर्द होगा ना, अब मान लो वजन ज्यादा सच में है, एक थोड़ी देर के लिए कल्पना करो वजन ज्यादा ही है, तो निश्चित रूप से सीढ़ी चढ़ने में माउथ में दर्द आएगा, घुटने में दर्द आएगा, हो सकता है कमर में भी दर्द आ जाए, सांस बहुत तेज चलने लगे, हाथ भी बहुत तेज हो जाए, ये सब आएगा। तो आप जानना कि वजन ज्यादा है ही तो कम करना है, और कितना कम करना है फिर वहीं पे आ जाओ, जितना सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ ना रहे इतना ही कम करना, वो किलो के हिसाब से नहीं। भाई मैंने थोड़ी देर उपवास करके या थोड़े दिन उपवास करके वजन कम किया, फिर चढ़ते देख लो सीढ़ी बराबर बैठ के, तो बस वहीं पे रखना है वजन, उसके आगे कम नहीं करना। ये वजन कम कर देने से भी बहुत तकलीफें आप शायद जानते हैं, शरीर को फैट भी चाहिए, ऐसा नहीं है बिना फैट के ये शरीर चल जाए, तो वजन चाहिए, मांस भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल पतले दुबे, जो पतले दुबे है ना उनकी अपनी समस्या है, आपको मालूम है कोई माँ बहुत पतली दुबली होना तो बच्चे और माँ दोनों की जान के लिए तकलीफ है। मैं तो देखता हूँ मोटी थोड़ी माँ है ना, थोड़ी मोटी वजन में थोड़ी भी ओवर फिट, आराम से बच्चा उनके गर्भ से बाहर आता है और आराम से दुबली है बच्चे भी, लेकिन जो बहुत दुबली पतली है उनको तो त्राहिमाम हो जाता है, इसलिए बहुत पतला होने की कोशिश मत करिए। ये जो कैट वॉक पे चलने वाली लड़कियां हैं ना, इनको देख के जिंदगी डिसाइड मत करिए। मेरे पास कई पेशेंट है वो कैटवॉक वाली, मैं मुंबई में भी जाता हूँ ना, बहुत पेशेंट है वो कैटवॉक, मैं जानता हूँ कि वो क्या कंप्लेंट लेके मेरे पास आते हैं, और वो पतले दुबले इसलिए रहते हैं कि उनको पैसा मिलता है तभी तक जब तक वो पतले दुबले हैं,
जिस दिन ओवरवेट हुए उनको तो इंडस्ट्री निकाल के बाहर फेंक देती है, तो उनको सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। इसलिए हर क्षण वो देखते रहते हैं 100 ग्राम भी वजन नहीं पड़ना चाहिए, 200 ग्राम नहीं पड़ना। आपको ये टेंशन नहीं लेना है। एक तो कैटवॉक इंडस्ट्री माने फैशन इंडस्ट्री, और दूसरी है फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री ने उनको निकाल के फेंक देती है क्योंकि उन्होंने अपने मानक बनाए। सुंदरता का उनका मानक है दुबला पतला होना, और विचित्र विचित्र उसकी उपमाएं दे रखी है। कमर ऐसी होनी चाहिए, गर्दन इतनी मती होनी चाहिए, सुराही जैसी गर्दन। तो मैं तो सुराही रख लो। ये ऐसे फालतू के हमारे देश में चक्कर चले कि ऐसी कमर ऐसी गर्दन ऐसी चेस्ट ऐसा, ये आप सब मत फंसिए। आप तो मोटी बात है, स्त्री हो या पुरुष, बड़े हैं या छोटे, बच्चे हो या सबके लिए एक ही तरह है। एक माला सीढ़ी, एक मंजिल सीढ़ी, आराम से चढ़ते हैं, तब तक कुछ सोच